पूरे गांव का कल्याण होने वाला है। गांव के पूरब में जो फैक्ट्री बन रही है, जो भी महिला वहां काम करने जाएगी अपने घर में सुख समृद्धि लाएगी। नहीं नहीं बाबा जी, कोई और उपाय बताइए। हम सबको अपने मर्दों ने मना किया वहां जाने से। हाँ बाबा जी, सरकार ने तो हम सबको कसम दिलवाई है, यूं हमसे ना हो पाएगा। हमें क्षमा कीजिए। नहीं नहीं, चलो यहाँ से। रुको, सरकारपुर के आदमियों ने लगता है कि औरतें कमजोर हैं, कुछ ना कर सकती, और इसीलिए वो अपने पांव की जुत्ती बराबर इज्जत ना देते हैं तुम लोगों ने। पर तुम लोग वो औरतें हो जो इतने जुल्म सहने के बाद भी अपना घर चलाती हो, बच्चे संभालती हो, तो कमजोर कैसे हुई? अगर यो घूंघट औरत की लाज है ना, तो इज्जत उसका गहना है, आजादी श्रृंगार है। तुम लोगों ने इतना साबित करना है कि तुम भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना घर बार चला सकती हो, वरना जिंदगी भरना ऐसे ही उनके तलमों के नीचे ना रोंदी जाओगी, अपने अरमानों का, अपनी छोरियों के सपनों का गला घोटती रहोगी। देखो, छोरा हो या छोरी, इज्जत मिलने का हक ना दोनों ने बिल्कुल बराबरी का होता है, और उसके लिए पहला कदम तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा। सरकार, वो बात नू है कि मने ना वो आग बढ़ने का कोई शौक ना है जो बिना घी के ही जल जाया करे। आपके साथ रहने का कोई ना कोई फायदा तो मेरा भी होना ही चाहिए, हैं? और फिर भी अगर आपने मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कोई बात गलत लगी हो, तो उसके लिए माफी तो नहीं मांगूंगा जी मैं, क्योंकि मेरा तो सीधा सा हिसाब है सरकार, सुनू मैं सारे की और करूं वही जो मेरा दिल करे आया करने को। और अगर फिर भी आपने मेरे पर मेहरबानी करने का मन कर रहा हो या फिर मेरे पे प्यार आ रहा हो, तो एक काम कर देना, वो अरे वो के नाम है उस, अरे वो सरीली छोरी, उसका कारखाना लग जान दो, बन जान दो फैक्ट्री, सरकार ना बने उसके रास्ते का रोड़ा। देखो, फैक्ट्री में काम करोगी, पैसे कमाओगी, तो थाली में जो दो रोटी है ना, उनमें से एक रोटी तुम्हारी मेहनत की कमाई की होगी, इज्जत की होगी, तब होगी ना बात बराबरी की। इज्जत कमाने का सबसे आसान तरीका यही है, दूसरों पर निर्भर मत रहो, आत्मनिर्भर बनो, खुद के पैरों पर खड़ी रहो। मैंने तो खुद देखी है, वो अड़ियल सी घोड़ी है, जाता उसकी बात मान लो, जाता घनी कसूती दुलत्ती मारेगी तो बस फिर। अरे सरकार, मैंने तो यो बात समझ में नहीं आती कि दिक्कत क्या है, बढ़ जान दो फैक्ट्री, बढ़ जान दो कारखाना, अरे सरकारपुर का नाम हो जाएगा, लोगों की तरक्की हो जाएगी, कोई काम धाम मिल जाएगा, सरकार का नाम हो जाएगा, ना बने उसके रास्ते का रोला। बोलो, कर दी ना अलाइनमेंट सेट? जब तक मैं आप सबके मुँह से आना सुन लेती ना, मैं भी हार ना मानने वाली। अरे बोलो। पहलवानी में शरीर बना, दिमाग ना। ये मेरा बेटा मीत नहीं है, पर इसकी सोच मेरे बेटे जैसी है।